गणंत न राव सास किरण उधर सागर को गंग त्रंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पाल उनो जोगावे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बन आवे तन तन सो गुर सिख कही है जो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुर सिख कही है तन तन सो गुर सिख कही है जो सतगुरु चरणी जाए पया तन तन सो गुर सिख कही है जिन हर नामा मुख राम कया तन तन सो गुर सिख कही है जिस हर नाम सुने मन आनंद भया तन तन सो गुर सिख कही है जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिस गुर सिख को हम सदा नमस्कारी जो गुर के भाणे गुर सिख चलिया तिस गुर सिख को हम सदा नमस्कारी जो गुर के भाणे गुर सिख चलिया परम सम्मान योग तन धन शब्द गुरु श्री सत्कार योग सत्संगी जनों अमृत वेले दे इस अज दे गुरम समागम अंदर हाजरियां भरते हुए सब तो पहला नितनेम दियां पावन बाणिया दे पाठ उस तो उपरंत सत्कार योग भाई साहब होना पासों पावन बाणी का कीर्तन सारिया ने बड़े प्यार नाल टिकाव बैठ के श्रवण किया है। आओ कुछ समा सतगुरु की पावन बाणी दिया विचारां नाल सांझ पाइए। विचार आरंभ करन तो पहला कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। सारी संगत गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उच्चारण की हुई पावन पौड़ी का आपां पाठ किया है जो वड़हंस राग अंदर गुरु रामदास महाराज जी की वार है अंक 593 उपर यह पावन पौड़ी सुभायमान है जिस विच धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने सिख की परिभाषा सिख की डेफिनेशन अपने लफ्जां विच बयान की है। वैसे अज का मुख वाक भी इस विषय नाल संबंधित आया है धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी का सोर राग अंदर सो सिख सखा बंध पै भाई जे गुर के भाणे विच आवे। अज का पावन मुख वाक गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 602 उपर सुभायमान है जिस विच गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बड़ी कीमती गल कही है। रहाउ दा बंध है हर के दास सुहेले भाई जन्म जन्म के किल विख दुख कट आपे मेल मिलाई। जेडे हरी दे दास हन परमात्मा दे सेवक हन उह सदा सुखी रहिंदे हन ते नाल इक लफ्ज क्या कहणगे जन्म जन्म के किल विख दुख कट आपे मेल मिलाई। संसार दे अंदर भी जदों बच्चा अपनी मर्जी नाल जिंदगी जिउंदा है ते दुखी हुंदा है जदों मां बाप की आग्या अनुसार जीवन जिउंदा है। हाँ बाशर्त मां बाप चंगे होण चंगी शिक्षा दे आधार जिंदगी जिउंदे होण
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਪਾਈ, 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 ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਪਾਈ, 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 ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਤੱਕ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਬਾਰੇ, ਦਾਤੂ ਦਾਸੂ ਬਾਰੇ, ਮੋਹਣ ਬਾਰੇ, ਮੋਰੀ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾ ਬਾਣਾ ਦਿਓਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ। ਬਾਲ ਜਤੀ
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਵੀ ਜਤੀ ਸਦਾਮ ਹੈ, ਜੋਤ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਜਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਟੰਬ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ, ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਿਤ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤ ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਕਵਿਤ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ, ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜੱਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ? ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾਣਾ ਦਿਓਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨਾਦੀ। ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਤੋਂ, ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ,
ब्लड रिलेशन कोई नहीं है साड़ा, सिर्फ मूंह बोलिया, जिवें मूंह बोली भैन, मूंह बोलिया भरा, जिवें हुंदा इदां असीं गुरु दे। ते कमाल की गल वेखो, मूंह बोले पुत्रां तों बिंदी पुत्र वारे ने सतगुरु ने, जिन्हां नूं मूंह कहा मेरे पुत्र ने, वारे किहड़े ने भला, जिहड़े अपनी बिन तों पैदा होए सन, अपनी औलाद इन पुत्रन के सीस पर, किन्हां पुत्रां तों थी जिहड़े मूंह बोलो, मूंह बोले सन भी ये मेरे ने। वार दिए सुत चार, ते कह दिता चार मुए तो क्या हुआ जीवत, फिर की होया जे चार चले गए। पता नहीं किन्ने अजीत सिंह दुनिया से बैठे ने, किन्ने जुझार सिंह बैठे ने, यह तो हुण साडी जिम्मेवारी बनती है ना, असीं जुझार सिंह ते अजीत सिंह गुरु पातशाह बन के विखा दईए। हुण भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाल जती है श्री चंद बाबाणा, द्योरा बनाया लखमी दासों धर्म चंद। दूजा पुत्र लखमी दास, लखमी दास गुरु साहब का दूसरा साहबजादा, इन्हें तो अपना देरा बना लिया वक्री मर्यादा चाली, मैं जती रहना, गृहस्थ नूं प्रधानता नहीं दिती उन्हें, श्री चंद ने गृहस्थी नहीं बनिया। आ गया लखमी दास, लखमी दासों धर्म, लखमी दास ने गृहस्थ धारण किया, उहदा बेटा सी धर्म चंद। लखमी दासों धर्म चंद पोता होए कै आप गणाया, लखमी दास का बेटा सी धर्म चंद, पाव गुरु धर्म चंद गुरु गुरु नानक साहब का पोतरा लगता से। अच्छा, इन्होंने भी गृहस्थ धारण करके एक वड्डा काम नहीं किया, यह भी पोतरा खवाने का ही माण प्राप्त करते रहे, सिख यह भी ना बन सके। गल इतने के निबड़ती भी बिंदी, इतने बिंदी नूं कोई थान नहीं, इतने सो सिख सखा बंध पै भाई जे गुर कै भाणे विच आ, इतने थान उन्हों मिलती जिहड़ा भाणे विच आउंदा है, इतने औलाद बिंदी होने करके थान नहीं मिलनी। लखमी दासों धर्म चंद पोता होए कै आप गणाया। इतों तक सी गुरु नानक साहब के साहबजादों की गल, आज गुरु हुण गुरु अंगद साहब के साहबजादों की गल, कितनी कीमती गल कही। मंजी दास बहालिया, दासू गुरु अंगद साहब का बेटा, उन्हें भी मंजी ला ली, गद्दी ला के बह गया, आओ लोगो मैनू मत्थे टेको, उन्हें भी गुरु अंगद साहब की गल नहीं मनी। मंजी दास बहालिया, दाता सदासन सिख आया, दाता दासू, दातू तो दासू, वह भी सिखा कह लगे असं गुरु के पुत्र हाँ, सानू आ नमस्कार करो, असी भावें अपने बाप की गल नहीं मनी, तुम सानू आ सिर चुकाओ। मंजी दास बहालिया, दाता सदासन सिख आया। हुण आ जाओ जी गुरु अमरदास के साहबजाद बारे। मोहन कमला हुआ, मोहन बारे की लो जी बोलिया जी भाई गुरदास ने, कमला चलिया तू तो गुरु की गल ही ना मनी। तो साढ़े ना जो कथाकार जां कि ढाडी कमीशर रागी बोलते ने, तो असं पता की पेश करते हैं जी, ध्यान ना सुनियो भी जदों गुरु अर्जन साहब बाणी लिखण लगे, भाई गुरदास को लिखवाउण लगे, तो चेता आया भी बाणी कित्थे है, क्योंकि आ जड़ियां ट्रालियां ते बसां ते ट्रकां ते तुक लिखी हुंदी नाम कुमारी नानका चढ़ी रह, यह गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नहीं, ये पृथ्वी चंद के पुत्र मेहरबान कच्ची नानक नानक नाम की वरतों करके कच्चिया उचारन लग पे। तो महाराज को पता आ जी बाणी की दुश्मन बड़ा चला के उन्हें इतिहास भी तो रला पाता, क्योंकि इतिहास ना तो गुरु ने आप लिखिया ना सिखा लिखिया, बाणी च एक रला नहीं पा सके, क्योंकि बाणी को गुरु साहब ने लिखिया ही इन्नी तरतीब नाल भी ना ये तुक कढ़ी जा सकती है, तो ना कोई तुक वाधू पाई जा सकती, तरतीब ही विगड़ जानी है। जदों राग आरंभ हुंदा है शब्दों की गिनती आती है, किहड़े गुरु के इस राग में किन्ने शब्द है वो गिनती आती है, दूजे गुरु के किन्ने शब्द ने वो गिनती आती है, फिर टोटल जदों राग समाप्त होना है पूरी गिनती आनी है, पहले पातशाह के किन्ने शब्द ने, दू तीजे के, क्योंकि दूजे पातशाह का तो शब्द कोई नहीं, उन्होंने सिर्फ श्लोक ने, दूजे के किन्ने ने, तीजे के किन्ने ने, चौथे के किन्ने ने, पंजवें के किन्ने ने, अखीर ते गिनती आ जानी है। तो दुश्मन इन्ना सियाणा नहीं है कोई इस तरतीब को हिलाने तो बिना छेड़छाड़ कर सकता, बाणी इन्नी सियाणपना गुरुदेव ने लिखी है, तरतीब दिती है गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने, तो चलाकी इतिहास इंज पेश किया जाता है, अज भी स्टेजा पर शरेआम बोलिया जाता भी जो गुरु अर्जन साहब के कोल सिख आए, जिवें गुरु अर्जन साहब अवेसले होण बाणी के मामले से, भी महाराजा आपां बाणी इकट्ठी कर लीए, आपां बाणी लिखनी शुरू करिए, कहिंदे जी बाणी है कित्थे, कहिंदे बाणी ते गोंदवाल पई है, किहदे कोल जी पोथियां मोहन कोल है, आंदे मोहन कोल पोथियां लैण वास्ते फिर भेजिया किहनूं साह संगत,
सब तो पहला भाई गुरदास भेजा। भाई गुरदास मोहन नूं कहिंदे मोहन पोथियां दे दे, मोहन ने पोथियां नहीं दित्तियां। फिर सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी नूं भेजिया, बाबा बुढ़ा जी ने भी वापस मोड़ता, मोहन ने पोथियां नहीं दित्तियां। फिर अखीर गुरु अर्जन साहब खुद आप चल के गए, बड़े तरले ले जिहड़े गुरु अर्जन साहब बारे भट कहिंदे पन मथुरा कच्छ भेद नाहीं गुरु अर्जन प्रताखा। जिहड़े गुरु अर्जन साहब बारे भट कहिंदे गुरु अर्जन साहब तेरे ते रब विच फर्क कोई नहीं, उस रब रूप परमेश्वर गुरु अर्जन साहब कोलों तरले कढवाए जा रहे मोहन कोल, जिहड़ा मोहन नूं भाई गुरदास कमड़ा लिख रहे ने वी झल्लिया तूं ते गुरु की गल ही ना मन्नी। एक गल का ख्याल रखना सात संगत, जिस गल बारे पता ना ना हो सियाणा जाके पुछदा, तुसीं बाजार जांदे हो ना, तुहानू जिहड़े फ्रूट बारे ना पता होवे ना तुसीं उहदा नां नहीं लैंदे, तुसीं कहिंदे हो भाई इह की है, उह अगला दसदा है तुहानू। साडी कौम दा दुखांत इह है वी असीं जिस विशे बारे नहीं भी ना पता होंदा असीं उहदे बारे भी बोली जांदे। मान लो तुसीं किसे करियाने वाली दुकान ते जाओ, सानू पता ही ना होवे, अहीं इत्थों तक रोज़ जे पेट्रोल दा डीजल दा रेट अप डाउन हुंदा है ना, वह भी अगले तो डिपेंड करता, पर हम असी रात पवाया हो इन रुपये रातों रात एक रुपया कीमत वध गई हो, पेट्रोल पंप वाले को पता ना, वो कहेगा नहीं भरा ये तेन इन इन्ने हिसाब नहीं मिलना। हूँ कपड़े वाले को भी जाके असी सिर्फ कपड़ा पसंद करते हैं, रेट अगला दसदा है, क्योंकि सानू उस विषय का। हूँ किसान के कोल तुसी जाके कहो, बिल्कुल नॉलेज ना हो खेतीबाड़ी की, आपां किसान नूं कहीए भी एक किले कणक बीजनी हो बीज किन्ना पैंदा, हूँ किसान नूं तो पता है भी एक किले कणक दे एक किला कणक बीजनी होवे अठ कनाल होवे वड्डी ते 40 किलो बीज पैंदा है। जे बीज रख दी होवे, कई जमीना बीज रख लेंदियां विचों सारा बीज नहीं होवे तां उह 40 किलो पवेगा, जे जमीन पूरा बीज उगा देवे फिर 35 किलो ना सर जाना। हुण कोई बंदा जाके जिहनूं नॉलेज खेतीबाड़ी दी ना होवे उह जाके किसान नूं कहे नहीं नहीं तूं 20 किलो ही पा दे, किसान उहदी गल मान लेगा? किसान कहेगा भरावा तूं पढ़िया लिखिया हो सकदा है, तेरी अपनी विद्या हो सकती है, पर मेरा रोज दा तजर्बा मैनूं ते पता है ना भी इस इलाके इन्नी जगह दे इहो बीज पाया ही फसल प्रफुल्लित हो सकती है। पर धर्म एक ऐसी चीज़ बन गई है, इत्थे हर एक बंदा आ के सलाह मशवरा दे रहा है, इत्थे हर एक बंदा अपनी सोच, क्योंकि जिसनूं पता भी नहीं गुरमत का, जिसने गुरमत कभी पढ़ के विचार के भी नहीं वेखी। हुण किन्नी कमाल की गल भाई गुरदास इत्थे लिख रहे हैं भी मोहन नूं कमड़ा लिख रहे। पहली गल ख्याल रखना सात संगत, जदों गुरु नानक साहब गुरियाई दे रहे हैं बाबा लहणा जी नूं, ते गुरियाई कहदी दे रहे हैं बाणी की, जिहड़ी उन्होंने अपनी बाणी ध्यान दे के सुनना, जिहड़ी उन्होंने अपनी बाणी नाल उन्हां को भगतां दी बाणी, सारी बाणी की पोथी बाबा लहणा जी दे सुपुरद करके नाल नमस्कार कर दिती। लहणे से अंगद अंगद से अल्लाह कर दिया, बाणी दा मतलब गुरु अंगद साहब को पहुँच गई। गुरु अंगद साहब के कोल हुण 63 श्लोक गुरु नानक साहब की बाणी ते नाल ही उन्हां को भट्टां जिहड़े भगतां की बाणी है, इदां ही उन्होंने बाणी बाबा अमरदास नूं गुरियाई देने वक्त उन्हां नूं सौंप दिती। हुण गुरु अमरदास जदों गुरियाई गुरु रामदास नूं दे रहे ने, सारी बाणी उन्होंने इदां गुरु रामदास दे अगे सपुरद कर दिती। इदां ही गुरु रामदास सच्चे पातशाह जदों गुरु अर्जन साहब नूं गुरियाई दे रहे ने, ते भला उह गुरु अर्जन साहब नूं सारी बाणी सपुरद नहीं करनगे? मोहन कोलों पोथियां जाण दा मतलब की होया? जिहड़े गुरु अर्जन साहब खुद कह रहे ने हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी दे, सानू बाणी इन्नी प्यारी है भी निमख मात्र भी असी बाणी नूं अपने हिरदे च परा नहीं करदे। हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टारी दे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन रम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक और हरी रे। जिहड़े बाणी नाल इन्ना स्नेह करदे होण भला उह सतगुर पातशाह जी बाणी पक्खों इन्ने वेसले होणगे? वह तो जिंद नालों वध बाणी नूं प्यार करदे ने। इह कहानियां बना दित्तियां मोहन कोल, इह गल दा सिखो क्लीयर जवाब है, मोहन कोल पोथियां नहीं, पोथियां खुद गुरु अर्जन साहब दे कोल अपने कोल है। दुश्मन ने चलाकी नाल ऐसियां साखियां कर दित्तियां भी तुहाडे गुरु पातशाह अवेसले सन, उह लापरवाह सन। पगां वाले लापरवाह ते बेपरवाह दोवां शब्दां विच ना जमीन असमान दा अंतर है। बेपरवाह गुण है, लापरवाही औगण है। वेपरवाह, मैं वेपरवाह हाँ, गुरु वेपरवाह है, असी लापरवाह हाँ। लापरवाही पता की होंगी? जुंबेवारी तो भज जाना। वेपरवाह हुंदा मैं अपने मकसद उत्ते अपने फर्ज नूं पूरा करदा, मैं किसी लीडर की परवाह नहीं करता, मैं किसी बादशाह की परवाह नहीं करता सवाए अकाल पुरख तो, इहनूं कहिंदे वेपरवाह। गुरु वेपरवाह है, असी लापरवाह हाँ। असी लापरवाही अपने जीवन च कीती है, लापरवाही यह की भी गुरु साढ़े तो बचे वार गया, असी लापरवाही एड्डी वड्डी की भी उन्हां दे साहिबजादे घरां च सांभ के उन्हां रख सके।
असी उन्हों की जिम्मेवारी भी ईमानदारी ना निभा सके। हुण भाई गुरदास क्लीयर लिख रहे हैं मोहन कमला होआ। हुण जिस जे मोहन को पोथियां होण ते भाई गुरदास उन्हों कमला लिख दे भला, ते आप जी को पता होवे भाई गुरदास रिश्ते वजों गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे मामा जी भी लगते हैं, घरेलू रिश्तेदारी भी है, साख साख भी ने, भतीजे ने ना गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी रिश्ते वजों भतीजे ने, ते मोहन भरा लगता है। जिहड़ा मोहन है वह भाई गुरदास दे रिश्ते वजों भरा लगता है, चाचे ताए भरा है। गुरमत विच ईमानदारी वेखो, गुरमत विच ईमानदारी वेखो साध संगत, गुरमत किड़ी खलासी है। इतने अजोके समय च मान लो जे किसी ने कोई ग्रंथ लिखाना हो अपने ताए चाचे की उल्ट गल जाती हो लिखाएगा भला? उन्हें कहना विचे गल लिखो ना, मेरे ताए चाचे का पर्दा फाश हो जाना। इतने गुरमत की कमाल की गल वेखो, जदों भाई गुरदास लिख रहे हैं तो अपने सके भरा मोहन के उल्ट गल जा रही है, परवाह नहीं की, कहते गल इतने इतने रिश्तेदारी वो है जो गुरु की गल मानता, बाकियों गुरु तो गुरु ने बाकियों को की करवाना। इतने लफ्ज वरते हैं मोहन कमला होआ मोरी चबारा मनाया। चबारा क्या? गुरु रामदास नू मोरी ने चबारे नू मना लिया। मोरी पुत सनमुख वा रामदासे पैरी, पढ़ो जी रामदासे पैरी। जे मोहन भी भला सनमुख होया होंदा इन्हों का भी नाम लिख देना गीत राज सी उन्होंने जी, पर मोहन सनमुख नहीं होया, मोरी सनमुख होया। मोरी ने आग्या मनी, मोहन ने नहीं मनी, तो जिसने आग्या नहीं मनी साढ़े विद्वान साढ़े लिखारी साढ़े प्रचारक भेज उस बंदे को रह रहे भी बाणी दी पोथियां मोहन दे कोल। इस करके क्लीयर जवाब इस गल का जी, मोहन कोल पोथियां नहीं, बाणी जितनी भी गुरु अर्जन साहब तक गुरु नानक साहब तो लैके अर्जन साहब गुरु अर्जन साहब तक सी, सारी बाणी गुरु अर्जन साहब के कोल अपने कोल मौजूद सी। अच्छा साखी पता की सुनाते हैं, मोहन ने चबारा ना खोलिया, चबारे के दरवाजे ना खोले, फिर गुरु अर्जन साहब ने शब्द उच्चारण किया मोहन तेरे उच्चे मंदिर, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपार। हुण इहदे मीनिंग की ने भला, इत्थे मोहन भला किहनूं कहा? मोहन कहा रब नूं, उच्चे मंदिर। अगे एक तो कहिंदी है मोहन तू सब परिवार फलिया। अच्छा उहदा तां विआह ही नहीं सी होया, उहदा परिवार कित्थों फल गया? इत्थे रब रूपी मोहन है जिहदा परिवार आ सारी कायनात है। मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा, अपारा पता किनू कहते? जिहदा उरला बन्ना भी ना होवे ते परला बन्ना भी ना होवे। एक कोई मोहन है दुनिया ते परमेशर जिहदा एडा वड्डा महल है कोई जिहदा कोई इधर इधरला पासा भी नहीं वेख सकिया ते उधरला पासा नहीं वेख सकिया। रही गल उस मोहन की, दास का नगर गोइंदवाल साहब तो ठीक 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह चबारे का इधरला बन्ना भी देखता तो उधरला बन्ना भी देखता जिथे मोहन रहिंदा रहा। हुण की गुरु पातशाह कहिहड़े मोहन दीआं गल्लां कर रहे ने भला? इतने परमेश्वर रूपी रब रूपी मोहन की गल हो रही है, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा। फिर यह भी कहा मोहन तू सब परिवार फलिया। यह मोहन लफ्ज परमेश्वर वास्ते ने, रब वास्ते वरते जा रहे हैं। तो नाले गल ख्याल रखना जी, गुरु ग्रंथ साहब की दुनिया के धार्मिक ग्रंथों नालों विलक्षणता पता की है? ये किसी जंग की कोई परिवार की हिस्टरी नहीं बयान की, ये नरोल एक अकाल पुरख की महिमा एक ओंकार तो लैके। सतगुरु ने यह नहीं लिखा मैं इन जंगा लड़िया इन्ने बच्चे वार दिए थोड़े को, मैं इन्ने प्रचार दौरे किए, तो किसी गुरु की जन्म तरीक नहीं मिलेगी गुरु ग्रंथ साहब चो, उन्होंने परिवारों का जिक्र नहीं मिलेगा। नरोल एक अकाल पुरख की दुनिया नालों धार्मिक ग्रंथों नालों विलखणता ही गुरु ग्रंथ साहब की है भी इतने केवल एक ओंकार की गल है, एक परमेश्वर की गल है, एक रब की गल की गई है। तो इतने गुरु पातशाह सब कुछ छड़ के गुरु अमरदास के पुत्र की शरीफ करेंगे मोहन तेरे उच्चे मंदिर। 2 मिनट की सोच के वेखो भला भी जो कोई बंदा सुना रहा हों, कभी सिख ने सवाल किया जी भी गुरु अर्जन साहब एक व्यक्ति की तारीफ कर रहे मोहन तेरे उच्चे मंदिर, जिन्होंने भाई गुरदास कमला लिख रहे? भाई गुरदास जी गलत ने कि गुरु अर्जन साहब? कभी सोच के वेखो प्रसाद संगत अजोका से कहता आप लैना दवान सजना है, उत्थे दवान सजना है, आप देख लैनी है लंगर छा के घर आ जाना, जो मर्जी कच्च कर इतिहास सुनाई जाए आप की लैना जी? अजोका सिख ये कहता है। पर प्यारे जो तक सियाने नहीं ना बनोगे साढ़े बच्चों गुरमत का पता नहीं लगेगा। सानू को गलत चीज़ दे दे ना तो अं सवाल करते हैं पूछते हैं, जो तक सिख जरा सियाना नहीं बनेगा सूझवान नहीं बनेगा, सिख पुछण की जरूरत रखे ना, वो कितने चला गया जी? सिख राजस्थान की धरती से गुरु हर गुरु गोबिंद सिंह महाराज चल रहे हैं, दादू पीर की कबर आई
तो साहब घोड़े ते सवार ते तीर ना नमस्कार कर दिती गुरदेव ने। तो भाई दया सिंह ने सवाल करता महाराज तीर ना ही माड़ी जी नमस्कार की थी। भी महाराज आप तुसी तीर ना सिर चुकाता आप कबरां की पूजा तो रोकते हो। अच्छा सिख ये भी सोच सकता सी भी मैं गुरु नूं टोक रहा महाराज तुसी आप ते कबरां की पूजा तो रो आप तुसी तीर दे नाल सिर चुकाता। महाराज नूं गुस्सा नहीं आया घोड़े तो थले उतर के ना दया सिंह का मत्था चुमया गल वकड़ी च लिया कह लगे मेरे पुत पास हो गए ने मैं शरीरक तौर पर तुहाडे विच बैठा तुसी सिद्धांत नूं गुरु मान लिया शब्द नूं गुरु मान लिया जे शरीर कुताही करे तुसी शरीर नूं टोकन दी हिम्मत रखदे हो। मैं वेखना चाहुंदा सी भला तुसी जो मैं पढ़ाया उते अमल करदे हो कि शरीर गलती करदा तुसी उहनूं गलती नूं मन्नी जांदे हो। हुण मैनूं विश्वास हो गया कल नूं आउण वाले समें च कोई भी वड्डे तो वड्डा बंदा गलती करेगा पुछण दी हिम्मत करोगे इत्थे मारो ध्यान होणा जी जिन्हों भी बंदा मानता होवे ना भावें सिरे की गलती कर दे नहीं जी सत ही है जी सत ही है जी कितने अज सिख लभना पवेगा जिहड़ा जिहड़ा टोक सके इत्थे आपां गलत हाँ। अज तां बच्चा पुत नूं अज बच्चा प्यो नूं टोकदा होवे ना बाप पिता जी आ काम गलत है ते अगे बापू को पता जवाब की हुंदा है प्यो तेरा मैं हाँ कि तू हाँ लो जी आ जवाब बड़ा प्यारा भी बल्ले बल्ले कि यूनिवर्सिटी पढ़ के आया बापू बहुत बड़ा कमाल आला दर्जे का जवाब है भी प्यो तो तू ही है पर यह अर्थ कोई नहीं है भी अकल प्यो नूं ज्यादा होवे कई बार पुत भी अकल दे जांदा है प्यो नूं इह सियाणप कोई ना बहुत घरां विच दादा शराब नहीं छड़दा पोता शराब नूं मूँह नहीं लाउंदा सियाणा किहनूं कहोगे जी बोल के दस दो जी पोता ही सियाणा कहोगे ना। शेख शादी होया एक मुसलमान उहदियां दो पुस्तकां ने वैसे सिखां नूं अजोके समें च पढ़न की आदत बहुत घट है ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੇਜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲ ਲਓ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਖਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਦਾਸ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਲਾਗੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਉਦਾਸ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਗੱਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦਾਸ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਧਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਆ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਦਵਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਵੀਹ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿਜਲਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਖਾ ਲਿਓ ਛਿੱਲਾਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤਿੰਨੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸੁਕਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਗੁਆਚਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਟੇ ਭਰ ਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਭੁਆ ਕੇ ਲੋਟਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੀਬ ਹੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲੋਟਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਤੀ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਇਸ ਬ੍ਰੇਨ ਰੂਪੀ ਕੌਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
कई बार परिवार वेखियो मां बाप बड़े परेशान हो गए, बच्चा तुहाडी उस परेशानी का हल एक सेकंड च कर देंदा, पर वड्डी साडे को जवाब पता कहिंदा प्यो तू है कि बस वड्डी गल। वह बच्चे की बच्चे की हुशियारी बच्चे की विद्वता दो मिनटां च पानी बना के रख दें, दो मिनटां च पानी बना के रख दें। जे गल मैं उदाहरण दी सी पिछले दिन, लाइसेंस कि नहीं, वैसे इंडिया में तो कानून है नहीं, बाहर कंट्री लाइसेंस की एक उम्र है, फौज में भर्ती होने की भी एक उम्र है, भी 18 साल तो पहला नहीं भर्ती हो सकता, पिंड का सरपंच बनने वास्ते भी एक उम्र है, भी इन्नी उम्र तो पहला लाइसेंस नहीं बन सकता, इन्नी उम्र तो पहला फौज भर्ती नहीं हो सकता। कमाल की गल वेखो सात संगत, गुरु बनने वास्ते कोई उम्र का हद बनना नहीं है, इतने 5 साल के भी गुरु पातशाह बने ने, इतने नहीं वेख्या गया भी सरपंच बनने वास्ते उम्र होंगी है, फौज भर्ती होने वास्ते इन्नी उम्र होंगी है। इतने 7 साल के बाबा फतेह सिंह वो जवाब दे रहे नीह च खलो के जेडे 100 साल के बंदे को भी उम्मीद नहीं रख सकते, असी 100 साल के बंदे को भी आस नहीं रख सकते भी इन्नी सियाणप 7 साल के साहबजादे के कोल होएगी। इस करके ख्याल रख लेना सियाणप जी है वह उम्र नाल नहीं है, सियाणप समझ नाल आउंदी है, विचारां नाल आउंदी है। ये साढ़े सामने हुण जो असी अरदास विच कहिंदे पंजां प्यारियां 4 साहबजादियां, हुण जो 4 साहबजादे नाम लैंदे हैं तो अखीर तक तुप तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी, तो इतने 100-100 साल की उम्र भोग के चले गए, कभी उन्हों की कमाई का ध्यान करके किसी ने वाहगुरु बोलिया? फिर वड्डा कौन होया जी, बाबा फतेह सिंह के 100 साल का व्यक्ति जिन्हें किया भी कुछ नहीं। इस करके याद रखना साध संगत किन्नी कीमती, ता ही बाणी चाखे ना जीवत पेखे जिनी हर हर त्याया, जिंदे वेखे जिन्हें हरी नूं त्याया है, हर के दास सुहेले भाई, जन्म जन्म के किल वेख दुख कट आपे मेल मिलाई। इस करके भाई गुरदास ने किडे कीमती बचन कहे, मोहरी पुत सनमुख होवा रामदास पैरी पाए जियो, मोहरी पुत सनमुख हो गया गुरु रामदास के चरणी आण पिया, पर मोह नहीं होया, मोहन कमला होवा मोरी चबारा मनाया। इथों तक सी गुरु अमरदास के साहबजादियों की गल, अगे आओ हुण गुरु रामदास के साहबजादियों की गल, मीणा होवा पृथिया, वेखो कमाल की गल, हुण मामा जी लगते ने पृथ्वी चंद दे भी, भाई गुरदास अपने भनेवे बारे मीणा लफ्ज लिखण लगे, संकोच नहीं किया, मीणा किनू कहिंदे भला साह संगत, जिहड़ा मूहों कुछ होर बोले तो अंदर कुछ। वैसे मीणे की डेफिनेशन पता की जी, घर च मान लो दो पुत्र हो, दो नूहां हो, तो एक नूह मूँह की बड़बोली हो पर अंदर कपट ना हो, मूँह जो आवे बोल दे, तो एक हो भी उत्तों पापा जी डैडी डैडी अंदरों छुरी कैंची, खतरनाक किहड़ा परिवार च पला दसो, जिहड़ा मूँह बड़बोल के परिवार का नुकसान नहीं करता। एक है मूँह मिठा बोलता पर अंदर परिवार का रहन कख नहीं दिंदा, किहड़ा नुकसान दायक है जी भैणों, मीणा नुकसान दायक है ना, मूँह का बड़बोला तो नुकसान, पर समाज में बुरा पता किहड़ा लगता, जिहड़ा मूँह बड़बोला है, जिहड़ा मीणा है ना वो समा मीणा पता करता सारी जिंदगी अपना मीणापन जाहर नहीं कर दिंदा, क्योंकि इन्हें उत्तों जी करना अंदरों बाणी च पढ़ के वेखो, कन्न मुसला सूफ गल, बाबा फरीद कहते फरीदा कन्न मुसला सूफ गल, दिल काती गुड़वात अंदर कैंची ते जबान गुड़ वर्गी मिठी। ये मीणे की डेफिनेशन है भी उतों जी करना अंदरों परिवार का बनना नहीं। कन्न मुसला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसे चानना दिल अंधेहारी रात, मीणा होवा पृथिया, पृथ्वी चंद मीणा, कर कर टेढ़ बरल चलाया। मीणा पता क्यों क्या, ध्यान ना सुनो, जदों घर विच औलाद हुई, सात संगत बाणी विच ना एक लफ्ज आउंदा है मन वचन ते कर्म, ये तीन चीज़ां ने, जो मन चाहे जबान बोल दे, जो जबान बोले उते बंदा तुरे, ये तीन गल्लां ने। भाई गुरदास ने लफ्ज बड़ा प्यारा लिखिया, हुण तुसीं वेखो कई बार दो भरा हुंदे ने, एक भरा दे घर औलाद हुंदी, दूजे दे घर हुंदी नहीं, मान लो समा पा के औलाद हो जाए, जमीन होवे बहुत मोटी, वैसे पंजाब के मोगे इलाके में घटना वापरी पिछले दिन, अखबारों में बड़ी मोटी सुरखी आई उस खबर की, दो भरा सन, एक भरा दे घर औलाद सी, दूजे भरा दे घर नहीं,
जिन्हां घर नहीं सी ना उन्हां विचारां नूं तां तड़फ सी वी औलाद होवे साडे घर। वैसे असीं औरत नूं मरन वाला कर दिंदे जे घर औलाद ना होवे तां, माफ करना क्लीयर गल है, जे घर च खास करके पुत्र ना होवे तां फिर तो सस्सां वी ताने देणगियां। कोई विरला टावा टब्बर होएगा जिहड़ा इस गल नूं स्वीकार कर लेगा, पति भी ताने मारदा है, मेहने मारदा है, जां औरत नूं रोज जलील भी करना है, ऐसा वापरदा है। पर तवारीख दे पन्ने पढ़ के वेख लो, बेबे नानकी दे घर ना धी सी ना पुत सी, पर मैं तो नहीं पढ़िया इतिहास विचों कि भाईआ जय राम ने एक दिन भी मेहना मारिया हो, एक दिन भी कितने बेबे नानकी नूं बेबे नानक दी सस ने कहा हो कि नहीं हुण साडा गुजारा नहीं। इत्थे ऐसे ऐसे काम भी किए गए कि मर्द नूं इह भी आग्या दित्ती गई भी तू दूसरा विआह करा ला, क्योंकि एड्डी वड्डी जिहड़ी कोठी है, एड्डा वड्डा कार है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये कित्थे जाणा जी, कित्थे लैके जाणा। सोच के वेख, ये पुरख प्रधान समाज की देन है, ऐसा कुछ होया। औलाद समा पा के औलाद जिन्हां घर औलाद सी उह सुपने लैण लग पए, लै इन्नी जमीन है इन्हां घर ते होणी नहीं, वध तों वध साडा गोद लै लैणगे, जमीन ते साडे कोल रहिणी है। समा पा के औलाद हो गई, हुण जदों औलाद होएगी वधाई देण ते जाणगे ना, जाना पैणा जी। हुण जदों गुरु अर्जन साहिब दे घर बालक हरगोबिंद पातशाह ने जन्म लिया होएगा, क्यों जी मीणा पता क्यों गया, एक बार तो वधाई देन गया होएगा पृथ्वी चंद, करमों भी गई होएगी पृथ्वी चंद की पत्नी, जाके लै शुक्र है भैने गंगा, शुक्र है तेरी भी रब ने सुन ली, तेरे घर भी बालक ने जन्म ले लिया, शुक्र है। पृथ्वी चंद भी वधाई देन गया होएगा, जवान वधाई दिंदी है पर मन पलैंगा बना लिया, इन मैं खत्म किवें करा, कभी सपेरा भेजदा है, कभी जहर वाली बर्फी भेजदा है, कभी दाई दे जिहड़ा दुध नूं उह जहर ला के भेजदा भी किस तरीके नाल बालक हरगोबिंद पातशाह दुध पीण ते उह चढ़ाई कर जाण। जवान मिठी है अंदर छुरी है, घटना यह वापरी भी जदों एक भरा दे घर औलाद समा पा के हुई, सारे परिवार नूं अग लग गई भी जमीन ते साडी सी, इह तां दो हिस्से हो गए, हुण वधाई एक बार दित्ती पर कीता की, भांडे मांज रही सी जिहदे घर औलाद होई, ते दराणी ने की कीता भी बच्चे नूं चुके ना पानी वाले टब च पा के उत्ते कपड़े पाते, आप बाहर निकल गई। हुण इह पाप जहर नहीं सी होना, भला इह पाप जहर नहीं सी होना, पाप जहर हो गया। अंदाजा तुसीं ला लो, साडे समाज की देण वेखो, असीं गुरुद्वारे आण के असीं कल्ली कल्ली पौड़ी ते मत्था भी टेकदे हां गुरुद्वारे आण के ना, परिक्रमा करदे हां, कई बार तां नक छलाउण दी भी यतन किया जाता, नक भी छला लें असीं, पर कम नहीं असीं अपने बदल, सोच अपनी बदलने असीं तैयार नहीं हाँ। वैसे मैं एक दिन बचन पढ़ रहा सी, भगत बेणी जी का एक शब्द आता है, इन्हों शब्दों को कभी असं विचारिया नहीं, होस्पिटल सब तो वध किनू रहना पैंदा जिहड़ा ज़्यादा बीमार हो, होस्पिटल सब तो वध दिन किनू रहना पैंदा जिहड़ा जिहड़ा ज़्यादा बीमार ना हो, तो जांदा जांदा इंज दवाई लैके आउंदा भी उड्ड इंज नहीं पता लगता भी डॉक्टर का हाल चाल पुछण गया भी आपणा दसण गया। तुसीं कभी वेख्या भाई भगत बेणी जी ने लिखे आ, कहिंदे कल भगवंत बंद चिरामंग, कह लगे कलेशां विच फसिया होया बंदा लंबा लंबा समा भगवान अगे अरदासा करदा। तुसीं कई बार वेखना उत्थे बंगला साहिब में वेहना हुंदा सी, कईआं ने आण के मत्था टेकणा ना, कदी झोली अड्डनी, कदी हाथ इदां करने, अद्धा अद्धा घंटा इंज लगे रहना, इह तों अंदाजा लगदा भी वाहवा बीमार जापदा बंदा, भी पता नहीं रब जाने भी की मंगण आया, भी कम भलिया लैसन सुन ला जो गुरु का उपदेश है, सुन के जा जां बह के सुन ला, कदी हाथ ऐं करना कदी ऐं करना, हो सकदा कहिंदा महाराज गुआंढी दुकान ही वेच जावे भी पर कन्याकुमारी नूं बिहार भी होगा जिहड़ा चल जाए, महाराज इहदी दुकान मैं खरीद लवां, इहदा कारोबार मैं कर, कृपा महाराज भी जां ते चीज़ां मंगी जा रहा। कल भगवंत बंद चिराम लंबा लंबा समा अरदासां करनियां, क्रूर दृष्ट दृष्टि विच क्रूर है, अरदासां लंबियां लंबियां अंदर क्रूर पुणा है, क्रूर दृष्ट रत्ता निस बादल, कल भगवंत भगवंत कहिंदे रब नूं, कल कहिंदे कलेश नूं, चिराम कहिंदे लंबा समा, लंबा लंबा समा अरदासां करन वालिया अंदर ते कूड़ टिकया होया है, जिहड़ा प्यो नाल प्यार होवे उह ते दूरों की नमस्कार भी प्रवान कर लैंदा है। विधान यह है भी नमस्कार करके आण के बैठ जाओ, जो कीर्तन हो रहा है जो पाठ हो रहा है उन्हों आण के टका नाल बैठ के सरवण करो, क्योंकि यह गुरुद्वारा हुंदा ही इस वास्ते भी असी आण के गुरु की गल नूं सुन सकीए। पर पता की करते हैं, असी कीर्तन हो रहा हुंदा कई गुटका लैके अपना वखरा पाठ करनगे, तुहाडे जो कोई टीचर बैठा होवे वीर, टीचर साइंस पढ़ा रहा होवे ते स्टूडेंट अगे बैठा होवे दूजे विषय की किताब लेके अगे पढ़ रहा होवे, क्यों जी टीचर बर्दाश्त करेगा सत्संग?
दसो जी इतने बनता कीर्तन हो रहा हो तो स्रोता अगे लेके अपनी वक्री पोथी पाठ कर रहा हो कीर्तन किनू सुना जी मर्यादा च लिखिया बकायदा जो संगत में कीर्तन हो रहा होर कुछ ना हो जिन्हें स्रोते हाँ ध्यान दे के सुनना जो संगत में नितनेम हो सारे नितनेम करो जो संगत में कीर्तन होने लग पाया कथा होने लग पी है जिहड़ी संगत उस टाइम आ रही है उन्हों का कोई हक नहीं बनता कि उस चलते दीवान अपनी वक्री पोथी लैके पाठ कर वो आण के संगत में जो मर्यादा के मुताबिक कीर्तन पाठ हो रहा वो अपनी शमूलीयत कर पाठ अपना वक्रा जाके कर रहे जां आउण उदों जदों गुरुद्वारे पाठ हो रहा है जां आउण उदों यह मर्यादा पर गल ते आण के इत्थे निबड़दी है ना जिन्हें मर्यादा दसी कर लगी जी सियाणा आ गया साडे नाल भले वो मर्यादा बनाई है तुसीं दसो तुहाडे विचों कोई टीचर लैण दा वीर बैठा होवे भी जदों क्लास में पढ़ाया जा रहा इक्को ही पीरियड क्यों वखरे वखरे हुंदे ने भला भी जे इदां गल होवे भी सारे टीचरां नूं कहा जावे भी सारे पढ़ाउण चल जाओ तुसीं विद्यार्थी कहे तुहाडी मर्जी जिहड़ा जो तुहाडा चित करदा पढ़ो ना जदों टीचर पढ़ाएगा उस वक्त उही किताब उही बुक लैके विद्यार्थी अगे बैठा होएगा पर गुरुद्वारे आण के वेख लो तुसीं अपनी अपनी मर्जी ना कितने भी चल जाओ तुम चाहें भावें आम गुरुद्वारे चल जाओ भावें इतिहास गुरुद्वारे चल जाओ खैर गल कर रहे थे कि मीणे की डेफिनेशन यह है जो अंदर कुछ हो रहा है बाहर कुछ हो रहा है भाई गुरदास जी लिखते हैं मीणा हो आ पृथिया घर घर ढेड कबरल चलाया महादेव दूजा साहबजादा गुरु रामदास जी का महादेव गुरु रामदास जी का दूजा साहबजादा गुरु अर्जन साहब के दूसरे भरा जी महादेव अहंकार कर बेमुख कुत्ता पहुंकाया लफ्ज वेखो कि सख्त वरते ने बेमुख हो गया अपनी अपनी मर्जी की गुरु की गल नहीं मनी इन्हों बारे लफ्ज पता की वरते भाई गुरदास ने चंदनवास नवास बुहाया ये सारे वास की न्याई सी चंदन सारू सुगंधी चंदन को सारे सुगंधी लै जाते पर एक वास है जो चंदन को सुगंध ही नहीं लै सकता जिन्हों का ना इस पौड़ी चाया साह संगत भाई गुरदास ने इन्होंने बारे पता की लफ्ज वरत्या वास लफ्ज वरत्या भी वास ही है जेडे गुरु को चंदन की सुगंधी ना लै सके वैसे चंदन सारों सुगंधी दे दिता है पर यह वास की न्याई गुरु को सुगंधी प्राप्त ना कर सके लिखे ना कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़ो ठाक पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास बांस बढ़ाई बुढ़िया यो मत डूबो कोए चंदन कै निकट बसाए बांस सुगंध न होए सारिया नु सुगंधी दे दित्ती चंदन ने लै बाबा लैणा भी सुगंधी लै गया बाबे लैणे ने गुरु अंगद साहब बन के सुगंधी गुरु अमरदास नु भी दे दित्ती पर वास की न्याई साहबजादे ना लै सके पर इतने गुरु अमरदास ने आज के मुख वक्त कह दिता सो सिख सखा बंदप है भाई ओही सखा ओही बंदप ओ रिश्तेदार है जे गुर कै फाणे विच आवे अपने फाणे अपनी मर्जी नाल जो चले भाई विछड़ चोटा खावे विछड़ के चोटा खांदा है कि विछड़ के सच नालों विछड़ के गुरु की विचार नालों विछड़ के वह चोटा खांदा है गुरुदेव ने किन्ने कीमती बचन कहे बिन सतगुर सुख कदे ना पावे भाई बिना गुरु तो सुख नहीं मिलेगा बिन सतगुर सुख कदे ना पावे भाई फिर पछोतावे पछतावा ही रहेगा बेमुख होए राम ते लगन जन्म वजोग खिन में कौड़े होए गए जितने माया भोग हर बिसरत सदा खुआरी ता को धोखा कहां बिया पै जा को ओट तुहारी इथे गुरु अमरदास ने क्लियर कर दिता सो सिख सखा बंदप है पाई जे गुरु कै भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले पाई विछड़ चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे ना पावे भाई बिना सतगुरु तो सुख नहीं मिलेगा फिर पछोतावे हर के दास हरि दे जड़े दास ने हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल विख दुख काटे आपे मेल मिलाई गुरु रब की करता है किल विख कट के
अपने नाल मिला लेंदा है, अपने नाल जोड़ लेंदा है। अज दा पावन मुख वाक जिहड़ा राग सोरठ अंदर धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह वल्लों बख्शिश होया है, आप जी ने संखेप शब्दों में शब्द के पहले बंद, क्योंकि शब्द का जिहड़ा राह वाला बंद हुंदा है साध संगत, वह शब्द का धुरा हुंदा है, केंद्रीय भाव हुंदा है। इस शब्द का राह वाला बंद है, हर के दास सुहेले भाई, जन्म जन्म के किल विख दुख काटे आपे मेल, मिलाई जिहड़े हरि परमेश्वर के दास हैं वह सदा ही सुखी जीवन जीउंदे हन, उन्होंने जीवन के किल विख पाप सारे मुक जाते हैं, तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। सोठ राग अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 602 के उपर अज का पावन मुख वाक सुभायमान है, जिसकी आप संखेप शब्दों में विचार साझी की है। भाई गुरदास जी ने गुरु के जड़े साहबजादे हुए हैं, जिन्होंने गुरु की गल नहीं मनी, बिल्कुल संकोच नहीं किया, उन्हों का जीवन दुनिया के सामने रखने लगे हैं भी वह किदा के सन। आओ अपना भी हिरदा तैयार करो कि असी भी अपने हिरदे को मजबूत कर सकीए, साड़ी हालत यह बन गई। गुरु ने अपने बच्चों का जीवन भी समाज सामने रखने लगे, घबराहट नहीं महसूस की भी ये इदा के सन दुनिया को ना पता लगे, पर असी अज डर जाने भी साढ़े ऐब ना दुनिया सामने आन, असी जो कर्म कांड करते कुछ सू दसे ना। आओ हिरदा तैयार करो, गुरु का प्यार उ माण सकता है जोड़ा गुरु की मर्यादा गुरु के उपर ओट आसरा रखता है। बाबा लहणा जी किन्नी बार वैष्णो देवी दे गए, किन्नी बार थां थां ते नमस्कारां कीतियां, पर जदों गुरु कोल आए उन्होंने अपने श्लोकां च इक श्लोक रखिया, उन्हें आखिया किस ही कोई कोए किसे नूं किसे दा आसरा, किसे नूं किसे दा आसरा, पर कहण लगे मंझ नमाणी एक तूं, जे अज मैनू नमाणी जीव इस्त्री नूं कोई पुछे किहदा आसरा ते मैं छाती ते हथ मार के ठोक के गल कहांगा मैनू केवल रब जी अज तुहाडा आसरा। पहला ठीक होएगा पर अज माण ना कहना अज केवल ते केवल तुहाडा आसरा, किस ही कोई कोए मांझ ने मानी एक तू क्यों ना मरी जा रोए जा लग चेतनाया वही। आओ थां थां दे आसरे छड़ के दर जी अरे एक टेक तू, थां थां दी मोहताजी छड़ के एक दा भरोसा रखो, दर जी अरे एक टेक तू लहा बेदानी आस नानक नाम त्याई है कारज आवे रास, तर जी अरे एक टेक तू। गुरु कृपा करे आप जी ने अमृत वेले दे दीवान दियां हाजरियां भरिया हैं, पातशाह कृपा करन सानू गुरु शब्द की विचार समझ आ सके, असी अपनी जिंदगी नू गुरु बाणी दे मुताबक ढाल सकीए। कोटानकोट शुकराना है पातशाह दा जिन्हां दी गोद विच बैठ के आप अमृत वेले दे दीवान विच सतगुर की पावन बाणी दियां विचारां दी सांझ कीती है, ते तहे दिलों धन्नवाद इन्हां समूह वीरां दा प्रबंधक कमेटी दा जिन्हां ने अज दे समागम लीके हन, संगतां ने अपनी रुझेवियां भरी जिंदगी विचों समा कढ के तुसीं गुरु की गोद में जुड़ के बैठे हो। अदब सत्कार नाल सारी संगत फिर कलगीधर पातशाह वालों बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। गज के आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।